नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास टेंथ के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। अभी मैं आप सभी को क्वेश्चन बैंक से सोल्यूशन करा रहा हूं। ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 49 है। यदि इसके पहले वाले जितने भी वीडियो हैं आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर अवश्य विजिट करें और उसको अच्छी तरह से पार्ट बाई पार्ट करके देखें। आशा करता हूं कि मैं आप सब ये जितने भी वीडियो हैं अगर अच्छी तरह से देखते हैं और उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बनाते हैं उन सभी प्रश्नों को, तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर मार्क्स कर पाएंगे, यानी कि 100% स्कोर कर पाएंगे मार्क्स, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, यानी कि 41। ये हमारा 2018 का जो फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का मैं उन सभी प्रश्नों का सोल्यूशन करके बता रहा हूँ। तो चलिए ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 14 सेमी ऊंचाई वाले बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेमी स्क्वायर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए, ये जो दिया गया है मैंने लिख दिया कि बेलन का ऊंचाई कितना था, 14 cm। तो अब यहाँ पे वक्र सतह भी दिया था कितना, 264 सेमी स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, 2πrh, और 2πrh बराबर 264। अब यहाँ पे पाई के मान 22/60 और 2 यहाँ पे रह गया और r को ऐसे ही छोड़ दिए, और h का जगह पर कितना दिया था आपका, 14 दिया था, ठीक है ना। इसको काट सकते हैं, 7 से 7 काट सकते हैं ना, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, आप यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, सॉरी 7 नहीं, ये r है, ये आपका r था, ठीक है ना। ये यहाँ पे त्रिज्या r है तो ये 7 दुना के कितना हो गया आपका, 14 2 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे ये 7 दुना 14 हो गया, यहाँ पे r बच गया, तो r का मान निकालना है। तो देखिए ये 264 ऊपर चला जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा, 2 और 22, और यहाँ पे 2 है तो ये दोनों ये सब के सब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई गुना में है इधर, तो इधर आके भाग में चला जाएगा। देखिए कैसे, यानी कि इस तरह से ये सब भाग में आ गया और 264 ऊपर चला गया। तो इसको 2 से डिवाइड किए हम तो कितना आ गया, कट गए 132। अब इसको 132 को काटिएगा 11 से 11 दुना 22, और इसको काटिएगा 11 कम 11 11 दुना 22, ठीक है। फिर आपका 2 6 12 हो गया, फिर 2 से काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 आ गया, 3 cm आर त्रिज्या का माना गया। तो आयतन पूछा जा रहा था, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 और 3 का मान, आर का मान कितना आया था, 3 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, और एच का मान कितना था, 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 22 गुने यहाँ पे देखिए 7 से काट सकते हैं ना, 7 गुना 14, तो 22 गुने 3 गुने 3 गुने 2। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ रहा है, 396 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो बस इसका आंसर देखिए 396, यानी कि ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसका राइट आंसर हमारा सी है, ऑप्शन नंबर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42 है, कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात आपका 8:27 है तो उनके सतह क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये ऑप्शन दिए गए, चलिए मैं इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। दो गोला के आयतनों का अनुपात दिया था, तो पहले गोले के लिए हम R1 मान लेते हैं त्रिज्या, और दूसरे गोले के लिए हम R2 मान लेते हैं त्रिज्या, ठीक है ना। और इसका आयतन क्या होता है, 4/3πr³, और इसका दूसरे का 4/3πr³, ये तो, और इसका अनुपात कितना दिया था, 8:27, तो इसको अनुपात को हमने बटा में लिख दिया। और यहाँ पे देखिए 4/3π से 4/3π काट दिए, और यहाँ पे R1 का क्यू और R2 का क्यू यहाँ पे देख लीजिए, लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्यू हटा तो उधर जाके घनमूल निकलेगा, यानी 8 और 27 का घनमूल, 8 का घनमूल 2 होता है और 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है, यानी R1 का मान 2 और R2 का मान 3, यानी कि देख लीजिए हमारा क्या हो गया, R1 का मान हमारा 2 हो गया और R2 का मान कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। अब क्या कर रहा था कि सतह का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था, तो 3πr² होता है ना, पहले के लिए वक्र सतह बोला है तो सतह का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, वक्र सतह जब भी बोलता है तो 3πr², और संपूर्ण बोलता है तो 4πr² होता है सूत्र। अब यहाँ पे देखिए, तो R1 ऊपर कर दिए और R2 नीचे कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों में कर दिए, और 3π से 3π कैंसिल हो गया। R1 के मान कितना आया था मेरा, 2 आया था ना R1 के मान, और R2 के मान कितना आया था, 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4:9 कितना हो गया आपका, ऑप्शन 4:9 हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है, 4:9, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल को देखते हैं। तो ये देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, 43 नंबर, यानी कि 43 कह रहा है कि यदि h ऊंचाई का तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्रफल का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 हो तो, ये दिया गया ऑप्शन, इसको ये इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको, ये कह रहा था कि कुल जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका बोल रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा बेलन का उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। तो देखिए कैसे,
तो ये देखिए हमने क्या किया है, उसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr h, और इसका क्या बोला था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू r प्लस h होता है, और एक तिहाई यानी कि 1/3 से गुना हो गया। और यहाँ पे देखिए अब क्या किया है, तो यहाँ पे देखिए 2πr से 2πr आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं यानी काट सकते हैं, इधर h और इधर 1/3 और इधर r प्लस h बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, r में 1/3 से, तो 1/3 r, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यानी 1/3 में h से करिएगा तो 1/3 h, और इसके बाद में अब h इधर है तो उधर से 1/3 h इधर आके क्या हो जाएगा, इसमें घट जाएगा, और इधर क्या बचा 1/3 r बच गया है तो छोड़ दीजिए, और इसको भिन्न के घटाव करिए तो 3/3 एक अलग उत्तम 3 हो गया, तो 3 में h से तो 3 h, और यहाँ पे 1 में h से तो h, अब इसको घटाइएगा ना तो 2h/3 हो जाएगा, और इधर 1/3 r है। अब इसके बाद में 3/3 क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, और r में 1 से तो r हो गया, और यहाँ पे 2 सटा हुआ है तो इधर बटा में आ जाएगा, यानी 1/2 r h बराबर क्या हो जाएगा आपका, h बराबर हमारा हो गया 1/2 r, ठीक है ना। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है, ठीक है ना, एच बराबर 1/2 r, ठीक है ना। अब अगले सवाल को देखते हैं, तो चलिए ये हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि 12 cm व्यास वाले व्यास के एक गोला के द्वारा विस्थापित हवा का आयतन पूछ रहा है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए व्यास दिया है 12, तो इसका त्रिज्या कर लेंगे, आर का मान निकल जाएगा यानी त्रिज्या आर निकल जाएगा, गोला का आयतन क्या होता है, तो चलिए फटाफट लगा लीजिए सूत्र, व्यास 12 तो आधा की ये त्रिज्या हमारा 6 आ गया, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, और पाई के ही रूप में हम छोड़ देते हैं, आर का मान कितना आया हमारा 6, तो 6 को 3 बार गुना कर लीजिए, तो 3 × 6, अब गुना कीजिएगा तो 4 × 8 8 × 6 = 48, 48 में 6 से करिएगा 288, और ये पाई को हम ऐसे ही छोड़ दिए, यानी कि 288 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल को देखते हैं, तो ये देखिए हमारा अगला सवाल क्या आज कहा जा रहा है कि 45 नंबर यानी कि 45 नंबर, किसी 5 cm भुजा वाले घन के काट कर बांट कर यानी कि काट कर उसको क्या 1 cm भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये ऑप्शन दिए गए, चलिए सिंपल है यानी कि घन बनाए जा सकते हैं, तो 5 cm भुजा वाले गोले घन का आयतन अब आटा 1 cm भुजा वाले घन का आयतन फॉर्मूला लगा लीजिए, तो इस घन का आयतन क्या होता है भुजा के क्यू यानी कि 5 का क्यू, और नीचे कितना भुजा था 1 था, तो 1 का क्यू यानी कि 5 का क्यू 125, और 1 का क्यू 1 होता है, 1 से भाग देंगे 125 में, तो हमारा 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 125। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, और अगले ये हम इसके बाद इसके अगला सवाल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू वेरी मच।